की बात रावण की चल पड़ी है, हाँ लंका की चल पड़ी है। एक टुकड़ा मुझे याद आ गया, हाँ आप लोग सुनिएगा, उसको अच्छा लगेगा आपको। सुनियो, और खासतौर से निवेदन हमारी माताओं बहनों से है, हाँ आप लोग ध्यान देकर सुने, बच्चे लोग ध्यान दे। एक बहुत बड़ी गीत और बजा, कौन सा? बस और वैसे भी काफी चक्का जाम मिला, हाँ तभी हम लोग आने में थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, क्या विजय जी सुनिएगा, सुनिए सुनिए, पढ़े लिखे लोग याद हैं, आप सभी लोग जानते हैं रावण को कितने लोगों ने समझाया, बहुत सारे लोगों ने बेटे, बहुत सारे कितने लोगों ने समझाया, कुछ लोग तो उस मंडल के गए थे समझाने के लिए, मगर किराया कम होने के कारण भाग गए थे, तमाम लोगों ने समझाया, रावण के नाना ने समझाया, भाई ने समझाया, सभी लोगों ने समझाया, यहाँ तक कि रावण की पत्नी ने भी समझाया, लेकिन रावण कहाँ मानने वाला था, मंदोदरी ने कहा महाराज माना कि आप परम शक्तिशाली हैं, बहुत बड़े वीर योद्धा हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि वो साक्षात परमात्मा के अवतार हैं, इसलिए मेरी बात मान जाइए, उनसे बैर मत करिए। रावण को ये सुन के बड़ा गुस्सा आया, वाह रावण ने कहा ए मंदोदरी ज्यादा खुपड़ी मत खराब करो, तू मुझे ज्ञान सिखा रही है, जबकि मैं तो स्वयं चार वेद छह शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता हूँ, तू मुझे क्या ज्ञान दे रही है। रावण को गुस्सा आ गया, रावण ने कहा ए मंदोदरी अगर अभी के अभी तूने राम की बड़ाई करना बंद नहीं किया, बेटे उंगली उधर मत उठाओ, जमाना बहुत खराब है। अरे उठा भी लेंगे तो वो कोई मंदोदरी थोड़ी है, ओका ये भी है, मगर वो गा तो रहे थे लंका मंगेशकर के लिए। रावण ने कहा मंदोदरी अगर अभी के अभी तूने राम की बड़ाई करना बंद नहीं किया तो सुन तेरा क्या हाल होगा। रावण गुस्से में अपनी पत्नी से कहता है क्या, बड़े मंदोदरी बंद बकवास कर, धन्यवाद है, ये है रावण। अब कहीं ये ना कहने लगना कि मुक्का पढ़ने वाला है, ये पहला पति है जो पत्नी को समझा रहा है न।
नहीं तो आजकल के पति जड़ते पहले हैं, समझाते बाद में। सही है, ये पहला पति है जो समझा रहा है, मार नहीं रहा है, केवल अल्टीमेटम दे रहा है, वरना आजकल के तो समझाते बाद पहले जड़ देते हैं। तो सुने आप लोग, वाह भाई वाह, क्या कहना, जय हो राखी आजाद की। संग में हमारे भैया जो झींगा बजा रहे हैं उनकी साथ में जय हो। वाह भाई वाह। एक बात बार बार कह रहे हैं, किसलिए ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वैसे भी तुम सीख ही नहीं पाओगे पढ़ाई लिखाई। बार बार कह रहे हैं, बिल्कुल सही है भाई, स्कूल के पीछे पढ़े हो तो कहाँ पढ़ाई सीखोगे। हाँ बेटा, बिल्कुल सही है, आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की, इसलिए तो आप अभी कह रहे थे। हाँ, सब लोगों ने सुनी थी बात। हाँ, अभी ये जीका वाले कह रहे थे, इसलिए तो वहाँ बॉर्डर पर, सीमा पर कुत्ते शहीद होते हैं। छी छी छी, कितनी बुरी बात। यही तो समस्या, जब पढ़े लिखे नहीं हो, जब पढ़ाई नहीं की है तुमने, तो ये मूर्खतापूर्ण बातें दिमाग में आती है। देश के जवान कुर्बान हो रहे हैं, ये कह रहे हैं सीमा पर कुत्ते कुर्बान हो रहे हैं। बताइए, इतनी पढ़ाई सीखी है तुमने, आंगनवाड़ी की पलिंजरी खाते रहे हो, ठीक से पढ़ा भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है, जरूरी है, लेकिन भाई जी बोलिए बोलिए, लेकिन बोलने के पहले बात को तोलिए, और पहले तोलिए फिर बोलिए। अगर बात में वजन है तब बोलिए, वरना ऐसी बात ना बोलिए। वैसे तो लोगों को एहसास हो रहा है कि झींगा वाले ज्ञानवान है। हमारे झींगा वाले बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलते कि वो बोल दे जो जरूरत नहीं है, गलत बोल देना, मर्यादा में रह के बिल्कुल लोगों को हंसने हंसाने की बात हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ सीमा पर कुत्ते शहीद होते, इसलिए सही है। चले चले, कोई बात नहीं, बढ़िया है भाई, बात देश की थी इसलिए कहना पड़ा। हमको जोश आ गया भाई, हमने कहा कि पहले लिखा होता था अतिथि देवो भव, ये आपने कहा कि कुत्तों से सावधान, कुत्ता काट खाएगा, तो हमने कहा पहले समय था लिखा होता था अतिथि देवो भव, अब जहाँ लिखा होता कुत्तों से सावधान, पहले वहाँ लिखा होता था यहाँ से निकले जो नर नारी उसको सीताराम हमारी। तो झींका बजा रहे, वो कह रहे थे नीचे से कि अगर गधा निकले तो। भाई वाह, इनको गधा ही क्यों दिखाई देता है, कैसे संस्कार मिले हैं भाई, क्या आंगनवाड़ी के बच्चे हैं बेटा, छोड़ो छोड़ो इनको। उसको पढ़ा नहीं आपने, यहाँ से निकले जो नर नारी तो सबको सीताराम हमारी। बात गधों के नहीं, गधों की बात कहाँ से, और का गधा भी नर नारी दिखाई दे रहा है। वैसे तो गधा भी होशियार होता है गुरु, लेकिन इनको पता नहीं कहाँ दिमाग है। चलिए ठीक है, धन्यवाद, बढ़िया है, अच्छा है। कई बातें आपने बताई, ऐसे लोग ही गंगा मैली कर रहे हैं, नीचे वाले बता रहे हैं। भाई वाह, बिल्कुल सही है, बताओ। चलिए बढ़िया है, लंबा परिवार है, कमाए खाए दो, हम दो और का हमारे दो, लेकिन हम खून पसीना की रोटी खाते हैं, ऐसे नहीं कि तुम सीमा पर कुत्तों को बता रहे हो। चलिए आइएगा, बढ़िया है, अच्छा है, जो भी आपको कहना है कहते रहिएगा। बढ़िया जवाब दिया है आपने,
कट पीस का मेरे ना करे थी। ये मैटर जाने कितने कलाकार गा रहे हैं ना, तो सही बात है, जब मैटर एक है तो सब लोग अपनी अपनी धुन में गाएंगे, वो बड़ी बात थोड़ा क्या है ना। आप भी गा रहे हैं, आप क्यों नहीं करें, हम भी गा रहे हैं लेकिन सबका तरीका अलग अलग है, क्यों भैया सबका तरीका अलग अलग है, सबके लिखने का अंदाज अलग अलग है, गाने का अंदाज अलग है, उसको सजाने का अंदाज अलग है। सही बात है। चलिए अब आपने जवाब दे दिया है कि 12 विमान भेजे वारे न्यारे किए फागुन में, वाह फिर फागुन में और फिर फागुन में और का फिर मिड 21 ने काम दिखाया और एफ 16 को जाके गिराया। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, अच्छा जवाब है। आइएगा, चलो खैर कोई बात नहीं, जवाब गीत का तो इतना अच्छा दिया है कि दिल बाग बाग हो गया। हमारा तो गुरु दिल चार बाग हो गया। बढ़िया जवाब दिया है आपने। रही थी माना है मैंने संकट की घड़ी थी और उर्मिला की तपस्या तुझसे बड़ी थी, अरे युद्ध ये कड़ा था या तपस्या कड़ी थी। राखी जी अगर लाइन थोड़ा बदल लेती तो लाइन अच्छी हो जाती, और युद्ध भी कड़ा था और तपस्या कड़ी थी। सुलोचना की तपस्या कहीं कमजोर थी ना और मिला की बराबर थी बेटा। ठीक है, धन्यवाद है। खैर कुछ नहीं, गुरु उधर आचार्य जी लिख रहे हैं। बढ़िया है, अच्छा हम ये नहीं कह सकते कि जैसे राखी जी आप कह रही थी तुम्हारे रचनाकार पूरा पेन की स्याही खोल के पी गए, क्योंकि रचनाकार मंच पर जितनी बुद्धि चलती उतना लिखता है। और का तो हम रचनाकार को कुछ नहीं कर सकते, उनको तो नमन कर सकते हैं क्योंकि उन 2 मिनट के अंदर जवाब लिखना है, जितना बन जाए तो बन जाए। सही बात, मैं ये फिजूल की बातें मंच पर नहीं करता हूँ। सुनिएगा, जो भी आपने दिया है जवाब, लेकिन एक समझ में नहीं आई, एक लाइन आपकी आई थी उसमें आप बता रही थी कि समय की गति आप विधाता की गति थी और समझ ना आया ये क्या गड़बड़ी थी। अरे आप तो कम से कम 20 साल से गा रही हैं, आचार्य जी ने अगर गलत लिख दिया हाँ तो उसको आप सही कर सकती थी खड़ी खड़ी। बिल्कुल थी और गड़बड़ी थी। हाँ बताइए, रतीफ काफिया अलग अलग नहीं हो गए, ये रतीफ काफिया भी गड़बड़। चलेगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नकल में भी अकल लगती है ना भैया। अरे पढ़ो लिखोगे नहीं तो क्या होगा। आइएगा, एक कटपीस आया है, भैया नाम बता दीजिए, नाम नहीं सुन पाया मैंने, क्योंकि जब दाम दिए हैं तो नाम भी बता दीजिए। संजीव। सही तर्क पर आया है पुरस्कार भाई संदीप भाई, आपके कर कमलों से एक ज्ञान मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, माता रानी आपका भंडार भरा रखे। सुनिएगा, आसानी आसानी से मिल जाती फिर भी नहीं खाते। अरे ये शहर है, बच्चे यहाँ मिट्टी नहीं खाते। आज के बच्चे भी कहते हैं बहुत समझदार हो गए हैं, मिट्टी नहीं खाते, सब जानते हैं। और सब जानते हैं बच्चे, आसानी आसानी से मिल जाती फिर भी नहीं खाते। अरे ये शहर है, बच्चे यहाँ मिट्टी नहीं खाते और सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछा कर, क्योंकि मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। ऐसे है मेरे हिंदुस्तान के मजदूर,
इसीलिए कहा गया है जय जवान जय किसान बेटा। क्या बात है बेटे शाबाश। राखी जी आपकी बात आई है रावण कह रहा मंदोदरी से और गलती एहसास कर और मर्द मेहरारू में तकरार हुई जाई बवाल हुई जाई। और रावण कह रहा है कि तमाचा पड़ने वाला है तलपटी लाल हुई जाई। राखी जी पूरी रामचरितमानस में अगर आप ऐसा लिखा दिखा दे तो मैं 501 रुपए दूंगा। और का रावण ने ये कहा कि ऐसा तमाचा मारूंगा कनपटी लाल हो जाएगा। क्योंकि मंदोदरी ने कभी एक शब्द भी रावण के खिलाफ नहीं कहा है ना, उसने समझाया है स्वामी स्वामी के अलावा उसने कभी गलत नहीं कहा है ना, उस हिसाब से कभी गलत कहा ही नहीं है। और जब उसने नहीं कहा, जब पत्नी गलत नहीं बोलेगी तो पति भी गलत बोल नहीं सकता। इतना याद रखिएगा, कहीं नहीं कहा कि रावण ने कहा कि तमाचा ऐसा पड़ जाए कनपटी लाल हो जाए, लेकिन ये आपकी सोच है। और देखो हम बताते हैं जो लिखा है रामचरितमानस में, सुनिएगा समझ लीजिए पढ़ाई लिखाई के मजे कैसे होते हैं। आपने कहा रावण कह रहा है तमाचा ऐसा पड़ जाइए कनपटी लाल हुई जाई, जबकि रामचरितमानस में ऐसा नहीं लिखा है। और जो लिखा है वो मैं बताता हूँ, सुनिए आप लोग जवाब सुनिए। अगर मंदोदरी ने समझाया तो रावण ने कहा तमाचा पड़ जाई तो कनपटी लाल हुई जाए, यहाँ विभीषण ने भी समझाया समझा विभीषण ने भैया अरे वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो नर नहीं नारायण है, उनसे वैर ना कीजिए। जब ज्यादा समझाने लगा तो कहा रावण ने सुनो सुनो, और जिन्होंने समझाया उनको किराया कम नहीं पड़ गया, वो लोग ऐसे गए हैं अपनी शक्ति से, बीच में कोई आया तो समझ लो उसका सीधे पतन हो गया। रावण ने कहा कि विभीषण तू मुझको ज्ञान मत दे, तू मुझको सिखा मत कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ना। रावण ने कहा ऐसे हनुमान जी लंका गए हैं बिना किराए के। कहा रावण ने अरे छोटा मेरा भ्रात है, तू तू भूला जज बात है और मुझको सिखा मत। हाँ अरे
सुन भीषण, रावण ने ऐसा कभी नहीं कहा मंदोदरी तमाचा पड़ी है तो गणपति लाल हुई जाए। क्या जो रामचरित मानस में लिखा है, बात न मानी तो सुनो बात पड़ जाई, अगर मेरी बात ना मानी। भीषण सुन सुन सुन, अगर मेरी बात ना मानी तो तुझको जब नहीं माना तो लात मारी और निकाल दिया नहीं और का। छोटा मेरा भ्रात है, भूला जा जो बात है, और बात ना मानी तो सुनो बात बजाई, अगर मेरी बात ना मानी तो तुझको छात पर तमाचाना पड़ जाए, लात पड़ जाए, लात पड़ जाए, सुधर जाओगे। अरे अगर मेरी बात ना मानी तो तुझको लात पड़ जाए। ये रहा कनपटी लाल हुई।